क्या कोरोना हो जाने के बाद यानी कोविड हो जाने के बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, यानी कि लिंग में तनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है? क्योंकि इसके रिगार्डिंग मेरे पास व्हाट्सएप पर बहुत मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कोरोना ने कितना बुरा हाहाकार मचा दिया है हमारे देश में, एक तरह की इतनी महामारी फैल चुकी है। तो जब मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि सर मुझे कोरोना हुआ है, क्या मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, तो आज मैं इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इससे पहले मैंने बहुत सी डॉक्टरों से बात की, बहुत सी वीडियो देखी, बहुत से आर्टिकल देखे, और खुद मैंने पेशेंट जो मेरे पास आ रहे हैं जिनको कोरोना हुआ है, जब भी मेरे पास आ रहे कॉल आ रही है कि सर जब से मुझे कोरोना हुआ है तब से मेरे लिंग में तनाव की कमी हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो कोरोना होने के बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आती है, बहुत से आर्टिकल में भी और बहुत से रिसर्च के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। कब तक आती है ये मुझे नहीं पता, ना कभी मैंने अब तक इस बारे में पढ़ा ये शॉर्ट टर्म आती है या लॉन्ग टर्म आती है, लेकिन आती ज़रूर है। देखिए इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि जो ये कोरोना जब होता है कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी के ऑर्गन है, मतलब अंग है, इनको अफेक्टेड करता है, हमारे लीवर को, हमारे हार्ट को और स्पेशली लंग्स को तो बहुत ज़्यादा करता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बॉडी का जो नसों में ब्लड फ्लो है वो कम होता है। तो जैसे मान के चलिए जो पेनिस सेलिंग है इसमें जो ब्लड फ्लो कम होगा, तो कहीं ना कहीं आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हो जाओगे। कहीं कहीं लिखा है कि ये थोड़े दिनों बाद ये ठीक हो जाता है, थोड़ी मतलब जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़े मतलब कुछ दिनों बाद ये ठीक हो जाता है, 1 महीने बाद, कहीं कहीं लिखा है कि 6 महीने तक चलता है। तो और मैं देख भी रहा हूँ पेशेंट ठीक भी हो रहा है, जैसे हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है जब उनको दवाई दे रहे हैं और हम ऑनलाइन ही दवाई फिलहाल हम भेज रहे हैं, तो जब हम उनको दवाई दे रहे हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो रहा है, मतलब 15 से 20 दिन में वो रिकवर हो रहा है, 1 महीने में तो बहुत ज़्यादा ठीक हो रहा है। तो मैं कहूँगा इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, हो सकता है शॉर्ट टर्म हो, लेकिन ये ज़रूर है कि कोरोना हो जाने के बाद, देखिए जब कोरोना हो जाने के बाद बहुत सी समस्याएं आती है, जैसे आप हर समय थकान महसूस करते हो और कहीं ना कहीं थोड़ी देर चलने पर सांस फूलती है और शरीर में दर्द भी हो सकता है, हल्का हल्का बुखार भी बना रह सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है, मतलब कुछ दिनों में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो ऐसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मैं कहूँगा इससे आप घबराने की कोई बात नहीं, और ना ही इसको आप इतना टेंशन में मत लेना कि मुझे क्या हो गया है, हो सकता है शॉर्ट टर्म हो, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तब भी आपको लगता है कि आप इसके ज़्यादा अफेक्टेड हो गए हों या आपको लगता है कि लिंग का तनाव बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो तब भी आप मत घबराइए। स्क्रीन पे जो हमारा नंबर है आप बेफिक्र होकर हमसे बात कीजिए, हमसे व्हाट्सएप के थ्रू बात कीजिए, हमें अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ आपको हो सकता है और भी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है? तो इसलिए आप घबराइए मत, बेफिक्र होकर, नहीं तो आप जो जिससे आपने ट्रीटमेंट कराया है जिस डॉक्टर से, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनको बताइए कि जब से मुझे कोरोना हुआ है मुझे लिंग में तनाव की कमी हो गई है और मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो गया हूँ। तो मैं आपसे ये कहूँगा इसमें आप बिल्कुल भी एंजाइटी मत लीजिए इसमें, ठीक है ना? हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए हो, और मैं तो ये चाहूँगा कि आप पैनिक मत होना, ठीक है ना? बहुत बार जब हमारे पास कॉल आता है तो कहीं ना कहीं बहुत घबराया हुआ होता है, क्योंकि बहुत से यंग लड़कों हैं जिनको कोरोना हुआ है और उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, तो जब हम उनको कहते हैं कि आप घबराइए मत, तो कहीं ना कहीं उनको तसल्ली मिलती है। तो मैं आपको लास्ट में यही कहूँगा, आप ज़्यादा पैनिक मत होइए, हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए हो, ठीक है ना? जैसे आप मेडिसिन लोगे, आप अच्छा हेल्दी डाइट लोगे तो ये रिकवर हो जाएगा, ऐसे नहीं जैसे ही बॉडी में जितनी जो और समस्या आ रही है उसी के साथ ये भी ठीक हो जाएगा। तब भी कोई क्वेश्चन हो या कोई बात समझ में नहीं आ रही है या आपको स्पेशली बात करनी है, पूछना है, तो बेफिक्र होकर कॉल करके हमसे पूछ सकते हो, हम आपके साथ हैं। और इस महामारी में तो मैंने जितनी अपनी मेडिसिन है उनके दवाई के रेट भी बहुत कम कर दिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो बजट है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है, तो पैसे भी मैंने अब फिलहाल कम ले रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी एडवाइस भी हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।